यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बड़ी खबर। अभी अभी न्यू सूचना जारी हो गया है। आज की ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है मगध विश्वविद्यालय के सभी विद्यार्थी के लिए। दोस्तों लाइव प्रूफ नोटिस दिखाऊंगा, क्योंकि अभी अभी जो न्यूज आर्टिकल के माध्यम से नोटिस जारी हुआ है मगध विश्वविद्यालय द्वारा, सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही चिंताजनक नोटिस है। वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। सबसे पहले आप लोग अपने मोबाइल फोन का गूगल ओपन करें, ठीक है, मोबाइल फोन का गूगल ओपन करें। यदि अगर आप इस वीडियो को लैपटॉप या कंप्यूटर से देख रहे हो तो भी गूगल ओपन कर लो। दोस्तों गूगल ओपन करने के बाद आपको सर्च बॉक्स में टाइप करना है magadhuniversity.ac.in। दोस्तों जो भी इंफॉर्मेशन जारी होता है मगध विश्वविद्यालय द्वारा, हमारे चैनल मौर्य गुरु एकेडमी पर सबसे पहले वीडियो प्रोवाइड कराया जाता है। तो यदि अगर आप चैनल पर न्यू यूजर हो तो सब्सक्राइब कर लो, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा होगा, क्लिक कर दो। आने वाली सभी जुड़ी जानकारी, नोटिफिकेशन, अपडेट भी अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देर ना करते हुए लेट्स मी अगेन। दोस्तों चिंता वाली बात यह है, दोस्तों सभी स्टूडेंट्स के लिए फिर से एक नई अपडेट जारी कर दिया गया है। दोस्तों मगध विश्वविद्यालय के सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखें इस वीडियो को, ठीक ना। अब मैं आप लोगों को यह बता दूं कि बिहार में कल से नाइट कर्फ्यू की वापसी शुरू हो जाएगी। जी हाँ, दुकान रात 8 बजे तक ही खुलेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं यह भी बता दूँ कि मगध विश्वविद्यालय में जो परीक्षा, एग्जाम फॉर्म, एडमिट कार्ड, एडमिशन रिजल्ट, फिर से आप लोगों का मार्कशीट, कोई भी डॉक्यूमेंट, ये सब कुछ में लेट होगा। जी हाँ, सब कुछ में लेट होगा। बिहार सरकार ने सभी यूनिवर्सिटी के अधिकारियों को, परीक्षा नियंत्रक को, कुलपति को आदेश दे दिया है। चलिए जान लेते हैं आदेश क्या दिया है, इस वीडियो में सभी जानकारी आपको देंगे एक पल पल के अपडेट के साथ। दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपको बताया जा रहा है कि बिहार में 6 से 21 जनवरी तक के लिए रात्रि कर्फ्यू रहेगी। जी हाँ, यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर साफ नहीं दिख रहा है, पर चिंता करने वाली कोई बात नहीं, हम यहाँ पर एक नोटिस आपको पढ़कर बता देंगे, ठीक है। यहां पर बताया जा रहा है कि 5 बजे तक प्रभावी रहेगा राज्य में। इससे पहले 18 अप्रैल 2020 को नाइट कर्फ्यू लागू की गई थी, ठीक है। यहां पर यह भी बताया जा रहा है दोस्तों कि प्री स्कूल से 8वीं कक्षा तक के लिए स्कूल और कोचिंग बंद रहेंगे। जी हाँ, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगा। 9वीं और उससे ऊपर की कक्षाएं से संबंधित स्कूल, कोचिंग एवं शिक्षण संस्थान 50% उपस्थित रहेगा। यहां पर देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि 50% उपस्थित रहेगा। वहीं पर बताया जा रहा है कि ऑनलाइन शिक्षण को प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री का समाज सुधार अभियान और जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम स्थगित रहेगा। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी निर्देश गुरुवार यानी 6 जनवरी से 21 जनवरी तक के लिए आपदा प्रबंध समूह की बैठक में सभी जिलों और संबंधित विभागों से रिपोर्ट ली गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरी जानकारी पदाधिकारी से ली है। जी हाँ, यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वार और गिरिजाघर, पार्क, जिम, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, सिनेमा हॉल, उद्यान और शॉपिंग मॉल सब कुछ क्लोज होगा। जी हाँ, कोरोना संक्रमण के मद्देनजर मंगलवार को आयोजित आपदा, यहाँ पर देख सकते हैं, आपदा प्रबंध समूह की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लेते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया है। जी हां, सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार शाम को हुई आपदा प्रबंध समूह की बैठक में यह फैसला लिया गया है। जी हां दोस्तों, यहां पर यह भी बताया जा रहा है, सभी स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर है। मगध विश्वविद्यालय के जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों को बता दूं कि जिन छात्रों का रिजल्ट जारी होने वाला है उनका रिजल्ट जारी होगा, जिनका एग्जाम या एडमिशन होने वाला है, एडमिशन आप लोग जल्द से जल्द अपने अपने कॉलेज में करवा लीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू है। जिन छात्रों का एडमिशन नहीं हुआ है जाकर करवा लें। यानी आप बात कर लेते हैं वहीं पर एग्जाम परीक्षा की, तो परीक्षा को लेकर अगर इस महीने आपका परीक्षा हो जाता है तो ठीक है, अन्यथा इस महीने के बाद परीक्षा होना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि लगातार जो है वायरस के चलते आप लोगों का जो है लॉकडाउन स्थिति बनी हुई है, जिसको लेकर सब कुछ रद्द हो सकता है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि सभी दुकानें और प्रतिष्ठान रात 8 बजे तक ही खुलेंगे। वहीं ठेला पर फल एवं सब्जी की घूम घूम कर बिक्री को हो सकेगी। हालांकि आवश्यक वस्तुओं और अनिवार्य सेवाएं के लिए कईयों को इसे राहत भी दी जाएगी। जी हां, राहत पाने वाले बैंकिंग, बीमा और एटीएम तथा वित्तीय कंपनियों के लिए कार्यालय आदि रहेंगे। साथ ही साथ औद्योगिक, यहाँ पर बताया जा रहा, निर्माण कार्य, ई कॉमर्स से जुड़ी गतिविधि, कोरियर सेवाएँ, कृषि एवं
इससे जुड़े कार्य, प्रिंट एवं इलेक्ट्रिक मीडिया सब कुछ ओपन रहेंगे ये सब, ठीक है। बाकी यहाँ पर बात कर लें दोस्तों, आप मगध विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए बड़ी खबर है। यहाँ पर देखिए, सरकारी दफ्तरों में बाहरी लोग व धर्म संस्थानों में श्रद्धालुओं के यहाँ पर देख सकते हैं प्रवेश पर रोक लगेगा। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम और समाज सुधार अभियान में स्थगित रहेगा। किसी भी प्रकार के मेले व प्रदर्शन के आयोजन पर लगाई गई पाबंदी, ठीक है। ये सबसे बड़ी खबर है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अपने निजी फ्रेंड दोस्तों को शेयर करें और सभी स्टूडेंट्स को बता दीजिए, ठीक है। पल पल के अपडेट मगध विश्वविद्यालय से जुड़ी इसी तरह पाते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको इसी तरह मिलता रहेगा सबसे पहले। चलिए धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय वंदे मातरम। यदि अगर आपका कोई सवाल हो तो नीचे मैसेज करके पूछ लीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से जरूर ज्वाइन हो जाएं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, क्लिक करें और ज्वाइन हो जाएं सभी स्टूडेंट्स। धन्यवाद, तब तक के लिए टेक केयर।